कुछ भी मैच नहीं कर रहा किसी से भी, बट मुझे ऐसे जाना अच्छा लग रहा है तो मैं जा रही हूँ। हेलो वेलकम नमस्ते। तो ये है मेरा वीकेंड का व्लॉग, और वीकेंड्स नॉर्मल डेज से ज्यादा बिजी होते हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग आ गए मॉल, और आजकल ये नोटिस किया है कि सारे ही मॉल्स में बाहर ये स्टॉल्स लगे होते हैं। मैंने तो कभी यहाँ से कुछ लिया नहीं है, क्या किसी ने लिया है? क्योंकि मुझे इनकी क्वालिटी उतनी अच्छी लगती नहीं है, शायद लोकल मार्केट जैसा ही होता है। और मॉल के अंदर एंटर होते ही पर ऐसे भागा था जैसे बंदूक से गोली निकली हो। भाभी भी इसके पीछे पीछे इसे पकड़ने के लिए भाग रही थी। वैसे मॉल हम इसी के लिए आए थे। बिटू भाई पंखा हेयर कट कराएंगे। यस यू गेस्ड इट राइट, यहाँ पे हम पर्व का हेयर कट कराने आए थे, अपना नहीं। पर्व की जब गर्दन दिख रही है। तो ये था पर्व का बिफोर लुक, जब उसके बाल काफी बड़े बड़े हो गए थे, और हमेशा वो इन्हीं भैया से अपने हेयर कट करा रहा है जब से इसका हेयर कट स्टार्ट हुआ है। तो उसे हैबिट हो गई है, पहले रोता था अब रोता नहीं है। तो पहले उसे कभी सपना चौधरी के गाने दिखाने पड़ते थे, कभी राइम्स दिखानी पड़ती थी, पर अभी सब सेटल है। और ये है पर्व का आफ्टर लुक। बिटू ओ देखो ये कौन बच्चा है, ये कहाँ है सिर के बाल ऊपर से कंटन लगा, कंटन नहीं लगा। तो हेयर कट कराने के बाद ये अजीम और शान शहनशाह बाहर आ गए, और आते ही फिर भागने लग गए। इसके बाल कट करवाने भी हमें मॉल में आना पड़ रहा है, और जब हम छोटे थे तो हमारे बाल किसी भी लोकल नाई से कट हो जाते थे। नो मैटर मैं लड़की हूँ या कोई लड़का है, नहीं चलो भैया जा रहे अपने हेयर कट कराने तो अपन भी आ जाएंगे। और उसके बाद क्योंकि हेयर कट हुआ है तो साहब को आइसक्रीम ट्रीट भी मिल रही है, वाह। तो आइसक्रीम खाने और थोड़ी और नौटंकियां करने के बाद हम लोग हो गए अलग अलग। क्यों? क्योंकि मुझे देना था अपना एक सूट टेलर को, और ये रेड सूट मैंने टेलर को दिया है सिलने के लिए। जब बन के आएगा उसके बाद दिखाऊंगी कि ये क्या बनवाया मैंने। और मम्मी को भी अपने कुछ सूट देने थे तो उन्होंने भी सेम टेलर को ही अपने कपड़े दे दिए। और ये टेलर भैया के पास आना मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये बहुत अच्छे डिजाइन बनाते हैं। देखो ये साड़ी में से लहंगा बनाया है इन्होंने, और तब प्यारा लग रहा था ना ये सामने से देखने में। साड़ी में से इतने फ्लेयर का लहंगा मैंने देखा नहीं है। यहाँ से फ्री होते ही हम चले गए अपनी थोड़ी सी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए। तो मैं पेडिक्योर कराने यही आती हूँ। क्यों आती हूँ? क्योंकि सर्विस अच्छी है भाई, और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो मुझे ना एक्चुअली अपने पैरों की मसाज कराना बड़ा ही पसंद है, और पेडिक्योर में वो हो जाती है, इसलिए मैं आती हूँ। मैं हमेशा ये भैया से ही कराती हूँ। ये मैं मयूर विहार फेस वन आई थी यहाँ पे, ये भैया इनका नाम प्रियांशु है, और मैं हमेशा इन्हीं से पेडिक्योर करवाती हूँ, अच्छा करते हैं। तो मैं बस बैठी हुई थी, अपना सेटल हो रही थी कि हाँ अब स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इतने गंदे पैर हो गए थे ना, कभी कभी तो शर्म आती है कि जब इतने गंदे पैर उनके सामने लेके जाओ कि भाई इन्हें ये साफ कैसे करेंगे, क्योंकि जब पानी के अंदर पैर डिप के रहे तो पानी एकदम काला हो गया था मेरा। और मैं इतनी एम्बैरेस हो रही थी कि मैं क्या लेके आई हूँ यहाँ पे इतने गंदे पैर। एक्चुअली पैर काले होने का रीजन है कि तो ये है कि मैं बहुत ही गंदी रहती हूँ, और दूसरा ये कि घर में नवरात्रि चल रहे थे तो हवन पूजा डेली जो कपूर से पूजा होती है उसकी वजह से पूरा फ्लोर और सब काला हो जाता है, और घर में कोई चप्पल पहन नहीं सकता है तो वो पूरा जो काला होता है वो पैरों के अंदर घुस जाता है। तो अपने पैरों को साफ कराने की बस कोशिश चल रही थी, और मेरे साथ मम्मी भी आई हुई थी, मम्मी भी करवा रही थी क्योंकि सेम सिचुएशन उनकी भी थी भाई, वो भी थी इसी घर में थी। भैया मैं तो चाय वाली इंसान हूँ, तो अब शुरू हुआ मेरे इन सड़े हुए पैरों को सुंदर बनाने का काम प्रोसेस। और मैं पता नहीं क्यों इतना जूम इन करके अपने स्कूटर जैसे पैर दिखा रही थी, मैं क्या दिखाना चाहती थी मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर हाँ कुछ तो मैं कर ही रही थी। और ये है मेरी चाय जिसे मैंने किया बहुत ज्यादा इंजॉय। तो जाने
हाँ तो वहाँ उतर जाना, उतर जाएंगे ना पहले ही। मैं इतनी बेशर्म हूँ कि मैं अपनी चाय को ठंडा होने का वेट नहीं करती। मेरे को इतनी गर्म चाय चाहिए कि मेरा बस चल रहा था, मैं गैस से डायरेक्ट अपने मुंह में छान लूँ। कितनी भी गर्म हो मैं पी लूंगी। और ये बैठी मम्मी बड़ी खुश थी क्योंकि सर्विस से बहुत खुश है वो इनकी, और उनको भी बड़ा मजा आ रहा था शायद अपने पैर मसाज करवाने में, शायद वही हो रही थी, मुझे पता नहीं है कौन सा स्टेप चल रहा है। तो एक्चुअली मुझे फेशियल कराने से और अपना मुंह सुंदर कराने से ज्यादा पसंद है अपने पैर सुंदर कराना है। फेशियल तो मैं कहीं से भी करा दूं, मेरा फेस पहले ही स्किन इतनी खराब है, वो उसके ऊपर थोड़ा सा भी कोई प्रोडक्ट लगता है तो और ज्यादा पिंपल्स आ जाते हैं, तो मैंने तो अभी गिव अप कर दिया है। तो ये मसाज होने के बाद बहुत सारी सेटिस्फेक्शन मिलने के बाद ये है मेरे पैरों का आफ्टर लुक। ज्यादा कुछ डिफरेंस मुझे तो पता नहीं लग रहा है या नहीं, आई मीन दिख नहीं रहा है, लेकिन मेरे पैर बहुत साफ हो गए थे और बहुत सॉफ्ट हो गए थे। तो बस वही चाहिए, अब प्लास्टिक सर्जरी तो कराने गई नहीं थी, जो शेप भी चेंज करा आती। और फिर उसके बाद ये जो हम टैक्स देते हैं, जो लगान देना पड़ता है, उसकी तैयारी चल रही थी। तो ये था पर्व का टॉय नंबर वन जो मम्मी ने लिया। फिर अब मार्केट में आए तो ये थे पर्व का गिफ्ट नंबर टू, क्योंकि डबल टैक्स देना पड़ेगा, आज बाल कटे हैं उसके। तो मुझे ना एक्चुअली उसके लिए कलरिंग बुक्स लेने का मन था, तो मैं काफ़ी सारी बुक्स ढूंढ रही थी। फिर मैंने एक व्हीकल वाली और एक फ्रूट्स वाली बुक ले ली, और उसके लिए थोड़े से कलर्स भी लिए मैंने यहाँ से। और यार ये स्टेशनरी शॉप भरी हुई देख के ना मन कर रहा था कि अपने लिए भी कुछ ले लूँ। वो स्कूल के दिन याद आ रहे थे जब हम लोग जाते थे और कलरफुल ये बॉक्सेस अपने पाउचेस लेते थे, टिफिन बुक्स सब लेते थे, वो दिन कहाँ गए यार। मिल गया? हाँ ये दो हैं सही है। चूचू 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 हाँ, ये बीच में अटक क्यों गया? ओ तेरी ओ तेरी, दुचुम दुचुम दुचुम, अभी कुछ और नहीं देंगे, वन बाय वन देंगे, जब एक को छोड़ देगा ये। दुचुम दुचुम दुचुम, क्या हम लोग इसे बिगाड़ रहे हैं? नहीं बिगाड़, नहीं इसकी एक्सपेक्टेशन कोई हाई नहीं कर रहे, देख के साइड से निकल जाते थे। अब कम से कम ये तो करते हैं कि ये वाला ले लो, ये पर्को सही रहेगा, खुश हो। तो टॉयज देने के बाद ये है रात को 2 बजे का क्लिप। रात को 2 बजे ये दो कौन लोग आ रहे हैं? तो ये है मेरे पापा विद पर्व के पापा, आई मीन हमारे पापा घर आए हैं और भैया उनको लेने गया था। पापा घर आ गए, पापा आले हैं। किसके पापा आले, मेरे या तेरे? किसके पापा आले? देखो पापा आले, गेट खोलो। चलो 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 अंदर चलो, मैं आती हूँ अंदर, चलो 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 चलो। तो मम्मी यहाँ नहीं दिखेंगी क्योंकि ये रात के 2 बजे का फुटेज है, और मम्मी लेती है मेडिसिन्स जिनसे उनको हो जाते हैं नशे और वो सो जाती हैं। तो वो और पापा मिले थे सुबह। तो बस ऐसे गया हमारा वीकेंड, बिजी बिजी। तो नाउ ओके टाटा बाय बाय।